हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल बेंचमार्क स्टडी। आई होप यू आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशंस भी गाइस बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपने प्रीवियस इसका लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। सो पहला आपका क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी इंट्रोड्यूस क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे है, इसे लॉन्च किया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने। एंड रिसेंटली इन्होंने जो है एक कैंपेन आपका लॉन्च किया था जिसका नाम था इंश्योर इंडिया, ठीक है। एंड एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ने 75 ईयर्स जो हमारे कंप्लीट हुए हैं इंडिपेंडेंस के, तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने लॉन्च किया था एक प्ले फॉर आर हीरोज कैंपेन, ठीक है। हैशटैग प्ले फॉर आर हीरोज कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया था। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बन जाता है कि आपका जो कैंपेन का नाम है वो दिया होगा और फाइंड आउट करना होगा कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विच बैंक बिकेम द पार्ट ऑफ अ कर्नाटका गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम खजाने सेकेंड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कर्नाटका बैंक, ठीक है। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है आपके, MS महाबलेश्वर। और इसकी टैगलाइन आपकी क्या है, टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट होती है, ये पूछी जा सकती है आपको, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ठीक है। एंड रिसेंटली इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, दैट इज KBL स्कीम, KBL सैनिटरी डिपॉजिट स्कीम, जिसके तहत जो है आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी अच्छा दिया था इन्होंने। अगर आप अपना अमाउंट जो है 555 डेज के लिए अगर सबमिट करते हो, ठीक है, फिक्स करते हो इनके पास, तो ये आपको 7.20% का जो है इंटरेस्ट रेट इन्होंने रखा था। एंड अगर सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट था आपका 7.60% का। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Navi Technology received approval from the Securities and Exchange Board of India for its dash initial public offering. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 3,350, दैट इज 50 करोड़ का यहाँ पे जो है IPO दिया गया था, ठीक है। एंड रिसेंटली यहाँ पे जो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन है, इनको होल टाइम मेंबर बनाया गया है किसका, सेबी का, ठीक है। सेबी जो इसकी सेबी की स्टैब्लिशमेंट जो है वो आपकी 1992 में की गई थी, 12 अप्रैल, ठीक है, 1992 का। भी कई बार इस टाइप के स्टैटिक क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। और उसके चेयरपर्सन कौन है, मदाबी पुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड कंट्री मैनेजर ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन इंडिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज संजय खन्ना, ठीक है। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। किसको अपॉइंट किया गया है, संजय खन्ना को। और यहाँ पे किसने अपॉइंट किया है इनको, तो आंसर क्या होगा, रॉब मैकक्लीन ने, जो इसके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, किसके, इंटरनेशनल कार्ड सर्विस अमेरिकन एक्सप्रेस के। नेक्स्ट है, विच कंट्री टेस्टेड इट्स सोलर पावर ड्रोन कम सैटेलाइट नेम्ड किमिंग जिंग 50 और अ मॉर्निंग स्टार 50, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई। इसे किसने टेस्ट किया है, चाइना ने। एंड ये चाइना का फर्स्ट लार्ज साइज UAV है जो किस पे वर्क करता है, सोलर एनर्जी पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दी 142nd एडिशन ऑफ US ओपन चैंपियनशिप 2022 हेल्ड एट न्यूयॉर्क USA इन सितंबर 2022। तो पहला आपका ऑप्शन है, Carlos Alcaraz defeated Casper Ruud in the men's single final to claim his maiden Grand Slam title and became the youngest world number 1 in ATP World Ranking. Next point है, in the women's category, Els Mertens has defeated Ons Jabeur to win her first US Open championship. Next is, America's Rajiv Ram and Britain's Joyce Selby-Berry won US Open men's double title and chase duo on Barbaro Krejčíková and Katrina Senikova won the women's double title. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है रिगार्डिंग योर US Open Championship 2022, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज सारी ही जो स्टेटमेंट्स है, ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Now next is, name the company that launched India's first high throughput satellite, that is HTS broadband internet service by using GSAT 11 and GSAT 29 communication satellite जो आपकी ISRO की है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर डी, Hughes Communication India Private Limited ने जहाँ पे जो है इसे लॉन्च किया है ISRO के साथ मिलकर, ठीक है। ISRO के चेयरपर्सन कौन है, तो आपका आंसर होगा S सोमनाथन, ठीक है, S सोमनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज FCI कंसल्टेटिव कमेटी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इन्हें अपॉइंट किया गया है, अभिषेक मिश्रा को अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ FCI कंसल्टेटिव कमेटी, ठीक है। Next question is, as per the State Bank of India research ECORAP report, India will become the world's third largest economy by dash. तो यहाँ पे जो है third largest economy बनेगी इंडिया by 2029. तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंड 2027 में इंडिया जो है जर्मनी को पीछे कर देगा. ठीक है, किसे? जर्मनी को, ऑन 2027. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट पार्टनर्ड विद द गूगल क्लाउड टू डिजिटाइज इंश्योरेंस परचेजिंग इन इंडिया. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस, जिन्होंने रिसेंटली पे एज यू ड्राइव जो है एड ऑन कवर लॉन्च किया था. ठीक है, पे एज यू ड्राइव कवर. ठीक है, एंड इनका कहना है कि बाय 2024 ये टोटली माइग्रेट कर जाएंगे क्लाउड पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च द हैंडबुक ऑन द सब्जेक्ट सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, अ वे फॉरवर्ड टू सेफ्टी बाय नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया एंड गाइड फॉर यूजिंग नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016. तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, इसे लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने. और जो आपकी फर्स्ट बुक है दैट इज सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ये आपकी लॉन्च की है, किसने डेवलप की है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका BIS. ठीक है, BIS क्या है आपका? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. इन्होंने प्लस ICA दैट इज इंटरनेशनल कूपर एसोसिएशन ने मिलके इसे डेवलप किया है. ठीक है, कौन सी बुक को? सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ने. एंड ये बुक्स जो है आपकी लॉन्च की गई थी 4th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड. ठीक है, जो आपके न्यू दिल्ली में हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ अ बुक विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ अ इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडिया इन इंडियन विमेन्स हॉकी. तो करेक्ट आंसर है, ये बुक आपकी किसने लिखी है? आंसर इज शॉर्ट मरीन ने. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एंड ये 2017 में विमेन्स हॉकी टीम के जो है कोच रह चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी साइसेक साइन एन MOU विद द डेल टेक्नोलॉजीज टू इम्पार्ट साइबर सेफ्टी प्रैक्टिसेस. तो आपके स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे कर्नाटका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. और रिसेंटली कर्नाटका ने जो है अनाउंस किया है, जो पर्सन रेयर सीट पे बैठा होगा उसे भी कंपल्सरी है सीट बेल्ट लगाना. अगर उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई होगी तो उसे 1000 रुपीज का जो है चलान देना पड़ेगा, फाइन देना पड़ेगा. राइट. नेक्स्ट है, नेम द स्टेट दैट साइन एन MOU विद द वेदांता एंड फॉक्सकॉन टू सेट अप सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले फैब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी कहाँ लगाई जाएगी? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गुजरात में. एंड रिसेंटली मोदी जी जो है विजिट पे है गुजरात के, और यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है मिशन लाइफ. ठीक है, मिशन लाइफ इन्होंने लॉन्च किया है. एंड यहाँ पे जो है इनकी बायलैटरल मीटिंग है किसके साथ? यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गटरस के साथ. ठीक है, इसके साथ यहाँ पे इनकी मीटिंग है. कहाँ पे ये मीटिंग हुई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? केवाड़िया, गुजरात में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब टू लॉन्च द XR स्टार्टअप प्रोग्राम. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज ऑप्शन नंबर ई, मेटा के साथ, मेटा कंपनी के साथ यहाँ पे ये पार्टनरशिप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जिसके मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्मार्ट सिटी विद अ स्मार्ट एड्रेस आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फुली डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंदौर, मध्य प्रदेश. ठीक है, और इंदौर आपकी क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया में, ये भी आपको पता है. तो देखो, अब ये यहाँ पे बात हो रही है डिजिटल एड्रेसिंग की, तो ये होता क्या है और यहाँ पे कैसे ये वर्क करेगा. ठीक है, तो समझते हैं इसको. जो आपका बेसिकली पाटा है, पाटा ने यहाँ पे जो है ISRO के साथ मिल के डेवलप किया है डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम. ठीक है, तो आप ऐसा समझ लो, पाटा और ISRO का जो है यहाँ पे है, दोनों के कॉम्बिनेशन कोलैबोरेशन से इसे जो है बनाया गया है. और इन्होंने एक ऐप भी लॉन्च की है यहाँ पे, पाटा ऐप करके. ठीक है, पाटा ऐप के नाम से यहाँ पे ऐप लॉन्च की है, जो आपका फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा है आपका एड्रेस है ABC नियर XYZ रेलवे स्टेशन. ठीक है, रेलवे स्टेशन. एंड फिर यहाँ पे आप डाल देते हो, जैसे देहरादून आपने डाल दिया, और उसके बाद उत्तराखंड. ठीक है, इस टाइप का आपका पूरा एड्रेस है. तो जो ऐप है ये बेसिकली क्या करेगी, ये जो आपका एड्रेस है इसके रेफरेंस में एक कोड यहाँ पे आपको जनरेट करके दे देगी. ठीक है, जैसे आप पिन कोड समझते हो, राइट, जैसे ये पूरी जगह है यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये आपका पूरा स्टेट है, स्टेट में बहुत सारे आपके डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जब आपकी जगह होती है तो उनके लिए एक पिन कोड एलोकेट होता है. तो वैसे ही यहाँ पे आपके एड्रेस के लिए एक कोड जनरेट कर दिया जाएगा, और उस कोड की हेल्प से सारे ही मतलब आपकी जो लोकेशंस होंगी वो इजीली आइडेंटिफाई हो पाएंगी। ठीक है, सो आई होप गाइस ये आपको क्लियर हुआ होगा कैसे ये कोडिंग की जाएगी। ठीक है, next question here is which of the following organization collaborated with the ministry of environment forest and climate change to launch the global environment facility small grants program? ठीक है, तो answer here is united nations development program and the energy and resource institute. इन दोनों ने मिलके इन दोनों के कोलैबोरेशन से जो है इस इन दोनों के कोलैबोरेशन से विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज इन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम। ठीक है, तो जो ये प्रोग्राम है बेसिकली ये इसका 7th ऑपरेशनल फेज है। ठीक है, एंड मेन एम क्या है इनका, सपोर्ट करना फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट किस चीज के लिए, कंजर्व करने के लिए और रिस्टोर करने के लिए एनवायरमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट साइन अग्रीमेंट विद द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड टीडीबी to support manufacturing and indigenously component critical to Sukhoi 30 Mk1 after an aircraft and 1500 HP battle tank engine. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ है विद द गाजियाबाद प्रिसिशन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री साइन एन एमओयू विद द इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट एंड आनंद टू वर्क टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है विद द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज यहाँ पे एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, इंस्टीट्यूट एंड रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ, दैट इज IRMA के साथ। ठीक है, एंड यहाँ पे रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है इन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम क्या था, जल दूत। ठीक है, जल दूत नाम इसका था और इसका मेन एम क्या था, जैसे विलेजेस में आपके कुएं वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनका जो लेवल है वाटर का वो साल में 2 बार जो है मेजर किया जाएगा, सेलेक्टेड वेल्स होंगे ये। ठीक है, एंड इसके हिसाब से जो है इसके अकॉर्डिंग जो है हिसाब लगाया जाएगा कि जो ग्राउंड वाटर है उसकी क्या स्टेटस है अभी। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एक्सरसाइजें हैं या स्कीम्स वगैरह जो है वो उसके अकॉर्डिंग ही लाई जाएंगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जिसके गिरिराज सिंह जो है यूनियन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मलेशियन एज ग्रुप रैपिड चेस चैंपियनशिप इन कुआलालंपुर मलेशिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अनिष्का बयानी, जो अभी सिर्फ 6 साल की है। ठीक है, 6 ईयर की है और इन्होंने अंडर 17 प्लेयर भी जो है क्वालिफाई किया था, वन ऑफ द बेस्ट अंडर 17 क्वालिफाई किया था जो आपके हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन सितंबर द फर्स्ट इंटर मॉडल डिजिटल इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट बेस्ड पायलट ट्रांसपोर्ट वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम इंडिया टू विच कंट्री? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ईरान और इसकी कैपिटल क्या है, बहुत इजी है, तेहरान। ठीक है, ईरान तेहरान ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर टू एस्टैब्लिश निरंजन टैंक एज 17th बर्थ सेंचुरी? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तमिलनाडु और रिसेंटली तमिलनाडु ने लॉन्च किया था ग्रीन तमिलनाडु मिशन और एक और चीज यहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था, दैट इज एनीवेयर, क्या लॉन्च किया था, एनीवेयर एनी टाइम, एनीवेयर एनी टाइम ऑनलाइन पाटा ट्रांसफर फैसिलिटी। ठीक है, और जो आपका 17th बर्थ सेंचुरी है इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज सरकर पेरीपलयम टैंक। ठीक है, next question is which bank joined the 5.03 trillion market capitalization for the first time? तो इनमें से कौन सा सा बैंक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फर्स्ट टाइम 5.03 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ज्वाइन की है। वेयर इज यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे किसका नाम है, HDFC बैंक का, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी है 8.38 करोड़ की 8.38 ट्रिलियन की। वेयर एज ICICI बैंक सेकंड नंबर पे रहा था, ठीक है, जिसकी आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6.33 की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट लॉन्चेस मेड इन तमिलनाडु इन सितंबर? तो पहला आपका ऑप्शन है जो सीएम है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, इन्होंने अनवील किया है 26 स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस एंड 15 मॉडल स्कूल्स इन तमिलनाडु ऑन द लाइन ऑफ दिल्लीज मॉडल स्कूल। नेक्स्ट इज Tamil Nadu CM MK Stalin also launched the Movalur Ramamitram Amayar Higher Education Assurance Scheme titled Mudupai Penthiyam for girl student. Next is the CM breakfast scheme is proposed to be introduced in 112 government and government aided elementary school from 1st to 5th standard in government school in a Palakkad block, Tamil Nadu. तो correct answer यहाँ पे है option number E. All 1, 2, and 3 statements are correct. Next question is name the insurance company that partnered with the SkyTI to launch the artificial intelligence powered digital voice agent. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, ICICI Lombard General Insurance ने इसे जो है पार्टनरशिप किसके साथ की है, SkyTI के साथ लॉन्च करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिजिटल वॉइस एजेंट। ठीक है, एंड रिसेंटली एडलवाइस जनरल इंश्योरेंस ने जैसे HDFC एग्रो ने लॉन्च किया था पे एज यू ड्राइव एड ऑन, वैसे ही इन्होंने भी लॉन्च किया था. ठीक है. नेक्स्ट इज एज पर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में है. ठीक है. रिपोर्ट G20 GDP ग्रोथ क्वार्टर टू ऑफ 2022, इंडिया GDP डिक्लाइन बाय डैश इन दी क्वार्टर टू ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, डिक्लाइन हुई है 1.4% से. ठीक है. एंड रिसेंटली यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट की गई है डायरेक्टर सेक्रेटरी जनरल की, जिनका नाम है लॉरेंस बून एंड केरी एंड जोनस, वेरस डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल को यहाँ पे एक्सटेंशन कर दी गई है 2 साल के लिए. ठीक है. इनकी जो अपॉइंटमेंट है एल्कर कोदेसन की, इनकी अपॉइंटमेंट 2 साल तक जो है इंक्रीज कर दी गई है. नेक्स्ट है विच कंपनी पार्टनर्ड विद द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन फ्री ऑफ चार्ज स्टार्टअप प्रोग्राम लाइट हाउस मैसिव. क्या नाम है इसका प्रोग्राम का? मैसिव. इसका आपको जो है फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है, मेक एंड स्केल सोशल इम्पैक्ट वर्जन. ठीक है. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है कौन सी कंपनी ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मास्टर कार्ड ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ. और मेन एम क्या है इस प्रोग्राम का? सिक्योर करना 1 बिलियन पीपल की जो लाइव्स हैं उनको बाय 2025. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज कन्फर्ड द टाइटल ऑफ ऑर्डिनरी रैंक ऑफ जर्नल ऑफ द नेपाली आर्मी बाय नेपाल प्रेसिडेंट बद्या देवी भंडारी इन काठमांडू. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मनोज चंद्र शेखर पांडे. एंड रिसेंटली इन अप्रैल मंथ इन्हें अपॉइंट किया गया था 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु वाज अपॉइंटेड एज अ MD एंड कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल E-गवर्नेंस इंडिया. तो इनका नाम है संजय कुमार राकेश और इन्होंने जो है सक्सीड किया है दिनेश त्यागी को. नेक्स्ट क्वेश्चन है EKI एनर्जी सर्विस बिकेम द फर्स्ट एवर फर्म टू लिस्ट अ प्लास्टिक प्रोजेक्शन फ्रॉम इंडिया अंडर अ ग्लोबल एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड. द EKI एनर्जी सर्विस इज लोकेटेड इन, तो ये लोकेटेड आपके इंदौर मध्य प्रदेश में. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Now next is BP Kongru and Kaushik Datta was recently appointed as the independent directors of which company? तो correct answer यहाँ पे क्या है आपका? Option number C, that is भारत पे के ये independent directors बने हैं. जो कौशिक दत्त आपके हैं ये आपके independent जो है चेयरपर्सन CEO हैं जोमेटो के, whereas BP Kongru जो है ये फॉर्मर आपके गवर्नर रह चुके हैं RBI के. ठीक है. डिप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं RBI के. नेक्स्ट है इन सितंबर गूगल एक्वायर्ड मेंडियंट इनकॉर्पोरेशन फॉर द $5.4 बिलियन टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी. हु इज द CEO ऑफ गूगल क्लाउड? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए, थॉमस कुरेन जो है गूगल क्लाउड के CEO हैं. नेक्स्ट है श्रीलंका वॉन द 15th एडिशन ऑफ DP वर्ल्ड T20 एशिया कप 2022 टूर्नामेंट टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन द T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? श्रीलंका ने डिफीट किया था पाकिस्तान को. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. एंड जो ये टूर्नामेंट आपकी हुई थी ये आपकी हेल्ड हुई थी दुबई में. ठीक है, दुबई UAE में. वेरस इसे होस्ट किसने किया था? होस्ट आपके किया था श्रीलंका ने. ठीक है. एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज यहाँ पे कौन बना था? तो श्रीलंका के प्लेयर है ये, इनका क्या नाम है? वैन इंडू हसरंग. ठीक है, वैन इंडू हसरंग. नेक्स्ट इज हिंदी दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द इंडिया ऑन. तो हिंदी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 14 सितंबर को. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. और 1953 में हमने फर्स्ट हिंदी दिवस जो है सेलिब्रेट किया था. ठीक है. नेक्स्ट है नेम द इंस्टीट्यूट दैट लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर प्रोग्राम विद एमिरेट्स. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इस इंस्टीट्यूट का नाम है IIM लखनऊ. Now next is CB George was appointed as ambassador of India to which country? तो correct answer यहाँ पे क्या? India to Japan. ठीक है. तो answer is option number E. Now next is who became the first Indian women to make the junior world finals by finishing 8th overall. तो correct answer यहाँ पे आपका है option number E, that is Apeksha Fernandes. ठीक है. एंड इन्होंने recently जो है set किया है new national record, जिसका time क्या है? 2:18. ठीक है, 2:18.18. नेक्स्ट है रिसेंटली इन सितंबर द यूनाइटेड कैबिनेट अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ अ वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर मिशन, दैट इज वाम, व्हिच एम्स एट डबलिंग फार्मर्स इनकम इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज केरला. ठीक है. और यहाँ पे जो है वाम की जो आपकी फुल फॉर्म है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है. ठीक है. इसके CM कौन है केरला के? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पिनराई विजयन. और गवर्नर इसके हैं आरिफ मोहम्मद. ठीक है, आरिफ मोहम्मद. नेक्स्ट है Which of the following organizations signed an MOU with the Ministry of Youth Affairs and Sports to provide financial support of rupees 215 crore to the National Sports Development Fund, that is NSDF? तो correct answer यहाँ पे क्या है? National Thermal Power Corporation Limited and along with Rural Electrification Program. तो correct answer यहाँ पे है option number E. Both 2 and 3 are the correct. Whereas recently जो Rural Electrification Corporation है इनको 12th और ये 12th ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिसे स्टेटस मिला है महारत्ना का. ठीक है, महारत्ना का स्टेटस मिला है. महारत्ना का स्टेटस उन कंपनीज को दिया जाता है जो लगातार 3 साल तक जो है 5,000 करोड़ का जो है इनका नेट प्रॉफिट जो है वो रहता है, या आप कह सकते हो एवरेज एनुअल नेटवर्थ इनका रहता है 15,000 करोड़ का. ठीक है, फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर. नेक्स्ट है नेम द ऑथर ऑफ अ बुक रजनी मंत्रास लाइफ लेसन फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, इसके ऑथर आपके हैं पीसी बालासुब्रमण्यम. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Now next is name the new digital publication that was launched by Election Commission of India (ECI) to establish direct communication with बूथ लेवल ऑफिसर. ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इसका नाम है आपका BLO बूथ लेवल ऑफिसर ई पत्रिका. ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर ई पत्रिका जो बाय मंथली इंट्रोड्यूस की जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली इन सितंबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस चेयर्ड दी 18th मीटिंग ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ MSME. हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, नारायण राणे टाटू जो है ये इसके यूनियन मिनिस्टर है. और रिसेंटली अहमदाबाद में इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था नेशनल, कहाँ पे पार्टिसिपेट किया था? नेशनल SC ST हब में. ठीक है. Now next question is, as per the Central Zoo Authority, which of the following zoological park was recognized as a best zoo in India? तो correct answer यहाँ पे क्या है? Option number A, that is पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो आपका दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, इसे जो है बेस्ट जू इन इंडिया का अवार्ड दिया गया है. और ये एस्टैब्लिश किया गया था 1958 में, 14 अगस्त 1958 में. ठीक है, एंड ये बेसिकली इंटरनेशनली ये फेमस है किस चीज के लिए? ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स जो होती हैं, जो खत्म होने वाली स्पीशीज होती हैं, उनकी ब्रीडिंग और कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के लिए फेमस है इन दी इंटरनेशनली. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज अ गाइडलाइंस फॉर द RRBs टू एक्वायर कैपिटल थ्रू राइट्स इश्यूज एंड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स इन सितंबर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द criteria for the selecting RRBs for capital raising? First आपका option क्या है? RRBs planning to make an initial public offering to raise capital must have at least 100 crores of net worth for the previous 5 years. Next is minimum capital to risk weightage asset ratio above the regulatory requirement of 9% in each of the previous 3 years. Next is RRBs should have minimum return on equity of 10% in a 3 of the previous years, as well as the minimum return of asset of 0.5% in 3 of the previous years. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या पूछा गया है आपका, इनमें से कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है. अब फर्स्ट वाले में करेक्शन क्या है? दैट इज यहाँ पे जो आपका IPO का रेजिंग कैपिटल है वो आपका 300 करोड़ होना चाहिए. ठीक है, 300 करोड़ नेट वर्थ फॉर द प्रीवियस 3 years. ठीक है, लास्ट 3 years का ये देखेंगे. नेक्स्ट इज as per the Kantar brands most valuable Indian brands 2022 report, which company emerged as a India's first valuable brand in September 2022? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, एंड इन्होंने रिप्लेस किया है HDFC बैंक को. ठीक है. Now next question is name the first anti-drone product that was launched by the Ratan India Enterprises, जिसके आपके चेयरपर्सन है राजीव रतन. क्या नाम है इनका? राजीव रतन. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डिफेंडर. इसका नाम क्या है? डिफेंडर. और ये वर्क कर सकता है मैनुअली भी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी. ठीक है. Now next question is India won the 2022 South Asian Football Federation Under-17 Championship title by defeating which of the following country? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इंडिया ने डिफीट किया नेपाल को, और यहाँ पे इंडिया ने इसी के साथ जीता 4th टाइटल ऑफ द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन. सबसे पहले ये टाइटल हमने 2013 में जीता था, देन 2017 में, फिर 2019 में और उसके बाद 2022 में ये टाइटल हमने जीता है। और इसे ये मैच कहाँ पे हेल्ड हुआ था? श्रीलंका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Fitch rating reduced India's economic growth projection to 7.0% from dash for financial year 2023। तो इन्होंने 7.0% डिक्रीज कर दिया, कहाँ से? 7.8% जो था अर्लियर प्रिडिक्शन थी इनकी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7.8। एंड उन्होंने 2024 की फाइनेंशियल ईयर 2024 की भी जो है जीडीपी ग्रोथ जो है वो कम कर दी है, 6.7% कर दी है, पहले ये थी 7.4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद द इगैन टू ट्रेन 600 यूथ इन सोलर मॉड्यूल प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है? ये कोलैबोरेशन जो हुआ है ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ हुआ है, जिसके आपके एमडी एंड सीईओ हैं मनीष कुमार। ठीक है, क्या नाम इनका? मनीष कुमार। और यहाँ पे रिसेंटली जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एक और एमओयू साइन किया है जो रिसेंटली न्यूज में था, विद दी ड्रोन डेस्टिनेशन। किसके साथ? ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ। और ये यहाँ पे सेटअप करेंगे 10 ड्रोन हब्स। ठीक है, दोनों मिलके यहाँ पे क्या करेंगे? 10 ड्रोन हब्स को जो है वो सेटअप करेंगे। और यहाँ पे इनका कहना है, जो आपके ड्रोन डेस्टिनेशन है इनके सीईओ का कहना है कि यहाँ पे अराउंड अभी 5 साल में 3 लाख ड्रोन पायलट्स की यहाँ पे इनको जरूरत है। ठीक है, next question is, and this is the last question, which organization ministry hosted the first Shunya forum in Delhi to commemorate the first anniversary of Shunya India's zero pollution e-mobility campaign। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नीति आयोग। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड साथ ही इन्होंने यहाँ पे एक रिपोर्ट भी जो है रिलीज की है जिसका नाम है नीड फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्टोरेज इन इंडिया Part 3 ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल ACC एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, ये भी यहाँ पे रिलीज की गई थी। और मेन इसका जो आपका कैंपेन है, इसका मेन जो है, इसे कब लॉन्च किया गया था? 2021 में लॉन्च किया था। किसने? नीति आयोग ने मिलके रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है US का, प्लस रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट जो है इंडिया का, इन्होंने कोलैबोरेशन में इसे जो है लॉन्च किया था। ठीक है, मेन एम क्या है इनका? प्रमोट करना जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स। ठीक है, ऐसे व्हीकल्स जो पोल्यूशन ना करते हो या कम करते हो। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो गाइज अगर आपने नोटिफिकेशन बेल अभी तक नहीं दबाई है तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी ही मिलती रहे। सो गाइज मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर and have a nice day and all the best for your preparations.